तो फ्रेंड्स अभी मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ स्पाइडर मैन नो वे होम पिक्चर देखने के लिए। और फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा मेरा मतलब इतनी दिनों से मेरा मन था कि भाई मैं जाऊंगा जाऊंगा, और आज है 17 और कल हो गई थी। वैसे तो मैं कल ही जाने वाला था पर इसी वजह से नहीं जा पाए थे, इसलिए हम आज जा रहे हैं। और फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, मतलब मेरे को तो बिल्कुल एकदम ये स्पाइडर मैन सीरीज का तो बहुत ही ज्यादा बड़ा फैन हूँ मैं। और ये जो होम कमिंग आई थी वो भी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। अभी जो मेरा फ्रेंड है उसी का ही फोन आ रहा है, तो जल्दी से उसको पिकअप करते हैं और जल्दी से चलते हैं। जैसे सूर्यवंशी में लेट हो गए थे वैसा ना हो जाए कहीं, इसलिए जल्दी से चलते हैं। और बिल्कुल भी इस पिक्चर को स्पॉइल नहीं करूंगा मैं। वैसे तो मेरे फ्रेंड ने पूछ लिया था, वैक्सीन सर्टिफिकेशन की जरूरत है नहीं, फिर भी मैंने फोटो तो खींच ली है। और फ्रेंड्स उसने जब फोन किया था ना थिएटर में कि भाई वैक्सीनेशन वगैरह का कोई चक्कर वगैरह तो नहीं है ना, क्योंकि वो 17 ईयर्स का है तो उसको अभी तक वैक्सीन तो लगी भी नहीं है, तो क्या पता उसको बाहर ही रोक ले। तो उसने फोन किया था थिएटर में, जो भी वहां पे रिसेप्शनिस्ट बैठी थी वो बताऊं कैसे बात कर रही थी उससे। जब जैसे ही उसने पूछा मेरे फ्रेंड ने कि भाई कोई चक्कर वगैरह तो नहीं होगा ना इसका, तो बोला बस मास्क पहन के आ जाइयो, कोई टेंशन नहीं है, रहने दो रहने दो, कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं है, मास्क पहन के आ जाइयो। ये क्या लैंग्वेज हुई भाई। अब हम सूर्यवंशी में लेट हो गए थे ना, तो मैं आज इस मूवी के लिए 1 घंटा पहले निकल रहा हूँ, एक्साइटमेंट बहुत है। अभी 3:58 हो रहे हैं और 5 बजे का शो है, 5 o'clock का शो है, जल्दी से चलते हैं फिर। यार मैं चाबी लेना भूल गया यार एक्साइटमेंट में। अभी हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और गुप्ता जी भी हमारे साथ मूवी देखेंगे। हाय गाइस, बता यार ये सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो इसको हो रही थी, जल्दी जल्दी कर रहा था, मेरे को तो कल के लिए बोल रहा था कल, मतलब कल तो नहीं जा पाए इसलिए आज जा रहे हैं। आज भी जल्दी जल्दी, आज भी ऐसे बोल रहा था चलो 12 बजे ही चलते हैं अपन, तो 12 बजे अभी 5 बजे जाएंगे हम। और अभी तो आज तो लेट नहीं हो पाएंगे क्योंकि अभी तो 4:22 हो रहे हैं, अभी तो खूब टाइम है, 38 मिनट्स रह गए हैं। ये देखो कितनी पुरानी पुरानी पिक्चर्स के पोस्टर लगे हुए हैं, नए के खरीदने के पैसे खत्म हो गए हैं, लॉकडाउन में सब कुछ खत्म हो गया है इनका, अंदर का सब कुछ टूट चुका है। अभी हम पहले यहीं पे पार्किंग लगाने वाले थे तो एक अंकल आया हमारे पास जो खुद पार्किंग वाले अंकल थे, खुद पार्किंग वाले अंकल थे, हमको बोले बेटा बेटा इधर आओ, पार्किंग लगवा रहे हो क्या आप, यहाँ मत लगाना, कल ही 2 गाड़ी चोरी हो गई है। अरे यार भैया हम आपसे पूछ भी नहीं रहे या कुछ भी नहीं, हम सीधे पार्किंग लगाने जा रहे हैं, लगाने जा रहे हैं यार, बीच में आ गए ऐसे मुंह टपका के अपना, भैया यहाँ पे मत लगा ना, कल ही 2 गाड़ी चोरी हुई है, ऐसे बोल रहे थे 10-20 रुपए मत बचाना, गाड़ी चल जाएगी, गाड़ी चल जाएगी, इसलिए हमने अंदर ही लगा दी। फिर हम भी डर गए कि क्या पता यार सही बोल रहे हो अंकल, यार यहाँ पे ट्रॉफी के लिए मना कर रखा है, 500 का 1-1 रुपए की टॉफी। वाह भी वाह यार, इन दोनों का क्या क्लैश हुआ यार, पुष्पा और स्पाइडरमैन का, स्पाइडरमैन बेचारी बेचारी पुष्पा चलेगी नहीं यार, अब स्पाइडरमैन ज्यादा लोग देखेंगे 100% है, यहाँ पे किसी से पूछेगा ना सब बोलेंगे स्पाइडरमैन देखने आए हम तो। यही आंटी थी क्या जो तेको बोली, दीदी सॉरी, यही दीदी थी क्या जो तेको बोली, तो शिफ्ट चेंज होती है हर 1-1 घंटे में, 3-4 घंटे होती होगी अंदर काम, एक जन पूरे दिन भर यहाँ बैठा बैठा। यार ये सही है यार, यहाँ पे पान गुटखा, तब अच्छा ये गुटखा ये इंग्लिश वर्ड है हिंदी वर्ड है, ये गुटखा पान वगैरह। चलो एंट्री हो गई, चलते हैं। अरे आंटी तो गुटखा कर रही है, आंटी तो पान बनाना खा ली थी अंदर, पता नहीं कैमरा में आया या नहीं। एक आंटी एक दीदी थी पान बना रहे, पता नहीं क्या खा रही थी, कुछ रैपर में चुटकी जैसा, देखते हैं भाई। ओ भाई क्या पोस्ट, हाँ यार आरआर भी देखने है यार, ये कौन सी है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में वो भी तो है प्रियंका चोपड़ा आएगी भाई, प्रियंका चोपड़ा भी बॉलीवुड की हॉलीवुड में वैसे भी आई हुई है, वेले आ गई ना, वेले का लेना क्या है, तो यार सही में पोस्टर वगैरह तगड़े हैं यार, फोटो खिंचवाएगा क्या, पर लग जाएंगे तेरे, फ्लाई टू योर ड्रीम। सही में RRR भी बहुत तगड़ी जाने वाली है यार, अंदर देते हैं। या अजय देवगन को क्या बना दिया इन्होंने, ये हैं
क्या बना दिया इन्होंने? इन लोगों का तो मास्टर होगा या कुछ ऐसा टाइप का होगा सर, मास्टर छोटा रोल ये कहीं भाई कहीं है ना, इनको चपड़ा इसको चपड़ासी ना बना दे नहीं ऐसा नहीं है, ये बटर इसका रोल बहुत छोटा है मेन रोल तो नहीं है भाई, ये दोनों एक्टर क्यों चल रही है इसके डायरेक्टर की जैसे कौन है डायरेक्टर एसएस राजा, अरे वो ये ना ये बाहुबली वाला हाँ अभी ये भी स्टार्टिंग में चलती दिखा देता है फैमिली डायरेक्टर ऑफ द बाहुबली। तूने कभी इन दोनों की अलग अलग मूवी देखी है? देखी साउथ की भाई, बहुत तगड़ी एक्टिंग है, बहुत अच्छा है यार सही में। ये पहले मैंने ये पढ़ा ना गुटका पान वगैरह नहीं खाना है, तो वहाँ पे मैंने एक आंटी को देखा सुपारी वगैरह खा रही थी अंदर, यार बताइए 500 रुपए उनसे ले लेते हैं अपन, इनका स्टाफ मेंबर हो गया तो कोई तो यार रूल्स तो सबके लिए सेम ही है यार, कोई डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी ना चल रहा है। क्या डियर गेस्ट यार ये तो गलत बात है यार, ये प्रियंका चोपड़ा भी हो गया यार इसमें, यार पोस्टर में लिया ही नहीं प्रियंका चोपड़ा को यार, मेन कैरेक्टर्स में ही भाई हाँ मेन कैरेक्टर्स में तो है, जर्सी तो वैसे देख मतलब साउथ की बिल्कुल कॉपी कर दिए बस, पता नहीं क्यों कर दिए कॉपी, थोड़ा सा चेंज होगा शायद इसमें। ये भी वैसा ही है क्या बोलते हैं, जैसे हुई थी ना स्कैम 1992 की वो हुई थी बिग बुल, यार ये बैटमैन कब आ रही है 4th मार्च, यार ये क्या क्या नाम रखते रहते हैं, द बैटमैन द बैटमैन नाइट राइडर पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हैं, सही में स्नाइडर कट, स्नाइडर कट कहाँ है, चार घंटे की मूवी, चार घंटे की तूने देखी थी, मैंने सुना था चार घंटे की मूवी थी, आशीष शुक्ला की वीडियो भी आई थी उसको स्नाइडर कट के अनकट क्यों नहीं बोलते, खत्म तो होती नहीं है ये, कहीं आयरन मैन को जिंदा ना कर दे कहीं कर सकते वो सोनी कर दे सोनी जिंदा होता है, मैंने ये सुना है डीसी में हाँ उसमें कोई मर जाता है फिर वापस जिंदा हो जाता है, या कॉमिक बुक में 50 बार मरते 50 बार जिंदा, हाँ बट अब तो हो भी सकता है मार कहीं सोनी कर दे ऐसा ऐसा कुछ वो पीछे जाए और पीछे जाके उसको बचा ले ऐसा करके कुछ, हाँ वो भी हो सकता है, मल्टीवर्स है, मल्टीवर्स का मतलब हो गया एक ही दुनिया में एक ब्रह्मांड में हजारों आयरन मैन है, मान ली जम गई पिक्चर नहीं चली आयरन मैन को वापस ले आए, हाँ यार कर सकते हैं वैसे कोई दूसरी दुनिया का आयरन मैन दिखा और मान फैंस की डिमांड हो भाई हमको वो आयरन मैन वापस से देखना है, पर नहीं कर तो पता सूर्यवंशी में क्या हुआ था, एक आदमी ने हमको यहीं पे मतलब यही कोई जगह थी, हाँ ये है हम यहाँ पे पूछे कि हमारा कौन सा है मतलब स्क्रीन होते ना ये, तो वहाँ पे तो हॉल से वगैरह ऐसे करके तो हमको जाना था इधर, उसने वहाँ भेज दिया हमको ऐसे, हमको 40 रुपए बताओ भाई इतने की तो टिकट ही नहीं पड़ी अपन को, 230 रुपए का, अरे खूब लूटते हैं भाई, अरे अरे चालू चल 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 अंदर चलते हैं, आहा कई दिनों बाद ये देख रहे हैं ब्लू लाइटिंग, दिखा इनको बता कौन सी ऊपर से सेकंड रो में, सेकंड रो में 5 सीटें छोड़ देना, 5 सीटें छोड़ दें, गुप्ता 5 सीटें छोड़ के बाकी घर ले चलते हैं अंदर बताओ किधर से लेने हैं, पहले तो कुछ ऐसा होता था ना एक ब्लू और एक रेड, नया जमाना आने वाला है। तो फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी थी, और मतलब एकदम लास्ट में तो इमोशनल वाला जो सीन था ना वो तो एक नंबर सीन था, एक बार जाके पक्का देखना
बस एक बार स्पाइडरमैन की सारी मूवीज जाके देख के आना, जो पुरानी इन्होंने रिलीज की है वो सारी एक बार देख के जाना, आपको अलग ही फीलिंग आएगी। देखो कैसी लगी बता। मस्त 10 out of 10। अरे हम तो एकदम एंड तक बैठे रहे थे, मतलब एक मिनट की भी नहीं छोड़ी हमने। जाना जब तक वो पूरा उठा के भगाए नहीं, जब तक निकलना ही मत वहां से। हाँ बहुत बढ़िया है, आपको भी मतलब जरूर देखनी चाहिए, हॉल वगैरह में वर्थ हो जाएगी एकदम। और 3D में हमने देखी, उसमें मतलब थोड़ा सा अंधेरा टाइप था, आप तो 2D ही लेना क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो इतना मज़ा नहीं आएगा। हमने तो 3D में भी ग्लासेस उतार कर ही देखी थी। तो फ्रेंड ये वीडियो यहीं तक ही थी, तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बाय।